नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने 4 पूर्व विधायक सहित 39 नेताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता दिखाया है। ये वो नेता है जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ बागी होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। या तो उन्होंने दूसरी पार्टी की सदस्यता ले ली या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जब नामांकन वापस का आखिरी दिन था, तब तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कई नेताओं को मनाने की कोशिश की थी और कई नेताओं को मनाने में कामयाब भी हुए थे। लेकिन ऐसे कई नेता हैं जो नाराज होकर अभी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टी ने निष्कासन की कार्रवाई की और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपको बताते हैं कि ऐसे 4 पूर्व विधायक सहित 39 नेता वो कौन है जिनके खिलाफ पार्टी ने निष्कासन की कार्रवाई की है। इन नेताओं में श्योपुर से दुर्गेश नंदनी है जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, सुमावली से कुलदीप सिंह सिकरवार हैं जो BSP में शामिल हो चुके हैं, पोहरी से प्रद्युमन वर्मा है जो BSP की सदस्यता ले ली है, गुना से हरि ओम खटिक है जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, जतारा से RR बंसल है जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, निवाड़ी से रजनीश पटेरिया है जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, खरगापुर से अजय सिंह यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं, खरगापुर से प्यारेलाल सोनी है, इसी तरह से महाराजपुर से अजय दौलत तिवारी हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो चंदला से पुष्पेंद्र अहिरवार हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, वैसे ही छतरपुर से दिलमणि सिंह BSP की सदस्यता ले ली है, मलहरा से डॉक्टर करण सिंह लोधी जो चुनावी मैदान में निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं, वैसे ही हटा से अमल चौधरी जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, हटा से भगवान दास चौधरी हैं जो BSP में शामिल हो चुके हैं, पवई से रजनी यादव हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, वैसी नागौन से यादवेंद्र सिंह हैं, पूर्व विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के, और सेमरिया से दिवाकर त्रिवेदी हैं जो निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं, देवतालाब से सीमा जयवीर सिंह हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, वैसी पुष्पराजगढ़ से नर्मदा सिंह हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, मुड़वारा से संतोष शुक्ला हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, वैसी बरगी से जयकांत सिंह, सिहोरा से डॉक्टर संजीव बरगड़े, डिंडोरी से रुदेश परस्ते, बालाघाट से अजय विशाल बिसेन, गोटेगांव से शेखर चौधरी, आमला से सदाराम झारवड़े, शमशाबाद से राजकुमारी केवट, भोपाल की उत्तर विधानसभा से आमिर अकील और भोपाल की उत्तर विधानसभा से नासिर इस्लाम, सुसनेर से जीतू जितेंद्र पाटीदार है और काला पीपल से चतुर्भुज तोमर और जोबट से सुरपाल अजनार, धर्मपुरी से राजूबाई चौहान, धार से कुलदीप सिंह बुंदेला, महू से अंतर सिंह दरबार, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, आलोट से प्रेमचंद गुड्डू, मल्हारगढ़ से श्यामलाल जोगचंद है और बहोरीबंद से शंकर महतो है जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये वो नेता है जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस से बगावत करके चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने निष्कासन की कार्रवाई की है।